scoring the most? Ruturaj. Yo, he's supporting CSK. Always hitman. How much do you think he'll score? More than 50. He'll score a 50 for sure. He will score 100. Dhoni is batting or CSK winning the match? What will you choose? CSK winning the match. You also the same? Dhoni batting. Nothing. You just wanna enjoy, have a great time. Yeah. Dhoni is batting or CSK winning the match? What would you choose? Dhoni batting. CSK haar degi chalega. नहीं चलेगा मगर जीत जाएंगे. A few hours later. तो भाई चार ओवर में 73 रन्स चाहिए और हार्दिक पांड्या अभी आउट हुआ है. देखो हार्दिक पांड्या के लिए भी बुरा लग रहा है क्योंकि उसके लिए परफेक्ट सिचुएशन था मैच जिताने का. लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं वानखेड़े स्टेडियम क्योंकि हमें जैसे मैच ख़त्म होता है वैसे ही इमीडिएट रिएक्शन लेना है क्राउड का. तो होपफुली विल रीच देयर बिफोर द मैच गेट्स ओवर एंड विल सी यू एट द अदर एंड. बस रोहित अकेला खेल रहा है. A few minutes later. और माही मार दिया, CSK जीत गया और रोहित शर्मा 100 बेस्ट है. धोनी को हम जीते, धोनी के वजह से 20 रन उसके वजह से जीते हम. Those were the 20 runs which made the difference actually. एक नंबर एक्सपीरियंस था, एक नंबर. धोनी का बैटिंग भी देख लिया, सिक्स भी देख लिया, रोहित की सेंचुरी भी देख ली. और बाकी हार्दिक के लिए तो मुंबई का हम कोई देना देना नहीं. मुंबई हार्दिक कोई बात, टीम से निकाल दो हार्दिक को. सुपर सुपर, आई लव यू धोनी. So you enjoyed most watching Dhoni today, his 3 sixes? Yes. Okay. Only for the Dhoni I came. Oh great. obviously you are disappointed. क्या लगता है आपको कहाँ पे हारी? Disappointed नहीं, very disappointed हूँ भैया. अभी क्या करे, भगवान की मर्जी है. अभी ये लोग जीत गए तो उसको ही पूछ लो कि कैसा फीलिंग आ रहा है. CSK फैंस से बहुत पूछ रहे लेकिन हमें मुंबई इंडियंस फैंस से पूछना है, क्या लगता है आपको कहाँ पे हारी भाई? क्यों नमक में मिर्च डाल रहे हो यार भाई? अब हमारा दुख कौन समझेगा भाई? आपको लगता है हार्दिक पांड्या कुछ अलग कर सकते थे बॉलिंग में, कैप्टनशिप? हार्दिक पांड्या का तो कुछ पता नहीं लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा से खेला. कैसा था एक्सपीरियंस? एक नंबर आतिशबाजी, पूरा मजेदार धमाल. किसको देखने में सबसे ज्यादा मजा? सबको देखने में. CSK में धोनी के 3 छक्के, 3 छक्के और एक डबल. क्या लगता है मुंबई इंडियंस कहाँ पे हारी मैच? मुंबई इंडियंस तो हर जगह मैच हारी, स्टार्टिंग से मैच हार गई थी भाई. खाली टॉस जीती, बाकी तो पूरा मैच ही हारी है. हार्दिक पांड्या को ने लास्ट ओवर डाला, आपको लगता है सही था वो डिसीजन? तो यार कोई भी गलत हो ही सकता है, उसने अटेम्प्ट किया, अब पिल गया, क्या करे मतलब. सामने धोनी थे तो बट ऑब्वियसली होना ही था. तो वही सीन है, बाकी मजा तो एकदम अफलातून आया भाई. पैसा वसूल हो गया, पैसा वसूल, टोटल बेट भी लगा 1400, वो भी जीत गए. आपका कैसा था सर एक्सपीरियंस? बहुत मजा आ गया भाई मैच देख के. इसको देखने में बहुत मजा आया. हम लोग तो भाई धोनी के फैन है. उसने कितना, 3 ओवर में 20 रन बना दिया भाई. 4 बॉल में 20 रन बनाए, आपको लगा? 3 ओवर में नहीं बनाया रे, 4 बॉल बोला मैं. 3 ओवर बोला, 4 बॉल बोला. अगर धोनी पहले आता तो आपको लगता है वो 50 बना देता? अरे सेंचुरी बनाता भाई, सेंचुरी बनाता, फिर मजा आ गया. और क्या लगता है मुंबई इंडियंस ने कहाँ पे गलतियाँ की? उन्होंने सब गलती किया भाई, टीम ही गलत सिलेक्ट किया भाई. सिर्फ 3 6, आज का पूरा मैच वसूल हो गया भाई. हमारा टिकट का पैसा ब्लैक में लिया था 25,000 में. थैंक यू MSD. 25,000 में लिया था? यस भाई, यस. पैसा वसूल हो गया, पूरा पैसा वसूल. 3 बॉल हमको 8,000 में 1 6 पड़ा है भाई. आपको लगता है दिस वाज द बेस्ट MI वर्सेस CSK मैच? दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ MI वर्सेस CSK. आफ्टर 2018 जब कमबैक किया था उसके बाद ये बहुत अच्छा मैच था. क्या लगता है आपको मुंबई इंडियंस कहां पे हारी मैच? क्या हालत पांड्या के ओवर लास्ट ओवर में? धोनी ने 3 छक्के मारा, बस उधर ही गए. तो अब धोनी को ज्यादा क्रेडिट दोगे या हार्दिक पांड्या? धोनी फॉरएवर. हो सकता है MSD का लास्ट सीजन हो तो जितनी ही चाहिए CSK. MSD जीतेगा और ट्रॉफी घर लेके जाएगा, स्कोर 6 होगा. सो डू यू थिंक दिस MI वर्सेस CSK मैच वाज द बेस्ट मैच यू एवर वॉच्ड? नो मैन, देयर हैव बीन गेम्स ऑफ पोलार्ड हैज सिंगल हैंडेडली वन अस द गेम. दिस वाज अ वेरी like a chess match, it was ebbs and flows, but Dhoni being the grandmaster just pulled it off in the end. But yeah, I've seen Pollard miracles, and yeah, this nothing compared to like the last ball thrillers which you get MICSK. Tough luck for Mumbai Indians fan, but best of luck for the future. It's fine, we'll bounce back stronger. Yeah, thank you so much. Cheers. Thank you. Sir, how was your experience? It was amazing, very good. I mean, really lucky to saw Dhoni in the last 3 sixes, was amazing. I will say it was a very happiest moment for my life. Mumbai CSK हर बार बहुत ही बड़ा मैच होता है, लेकिन इस बार क्या आपको लगता है कि this was the best match? क्योंकि धोनी की बैटिंग देखने को मिली, हाई स्कोरिंग मैच था, CSK जीत गई,
क्या लगता है आपको, दिस इज द बेस्ट सीएसके एमआई मैच ही वाज? आई वुड से यस इट वाज, बट इफ आई हैव टू चूज वन ऑफ द बिगेस्ट मैच आई वुड से द ब्रावो विन, ब्रावो चेजेस इन 2018, द फर्स्ट मैच ऑफ द आईपीएल, दैट वाज अ ग्रेटेस्ट मैच एवर. या दिस वन इज आल्सो नॉट, आई विल नॉट से वेरी बेस्ट, बट इट वाज अ वेरी गुड गुड क्रिकेट, आई मीन पूरा टोटल पैसा वसूल मैच. यस. और मुंबई के बारे में क्या कहना है, कहां पे आपको लगता है उन्होंने गलती की? आई थिंक सी पिछले कुछ मैचेस को देखें तो मुंबई हमेशा 200-196 इजली चेस करी है बहुत सारी टीमों के खिलाफ, पिछले साल भी और इस साल भी. बट व्हेन दे एक्चुअली गेट द रियल चैम्प टीम द सीएसके, दे गेट स्टक. आई थिंक सूर्या को और पांड्या भाई को थोड़ा रुक के खेलना चाहिए था. आई थिंक दे वुड हैव टेकन देयर टाइम, लाइक 10 बॉल 15 बॉल्स, एंड आफ्टर दैट दे कैन गो, बिकॉज दे नो दे आर अ वेरी गुड प्लेयर, दे हैव अ वेरी गुड शॉट्स इन देयर हैंड्स, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. आई थिंक दे जस्ट नीड टू कंट्रोल देयर प्रेशर्स एंड take the momentum of the match. Thank you so much, sir. Thank you so much. Do you rate this MI versus CSK match as one of the best matches? Yes, yes. It is the best match. Yeah. Thank you so much, man. Thank you. Sir, how was your experience? Mumbai Indians fan. Yes, yes. Experience was really very good. We enjoyed the match a lot. Enjoyed the 100 of Rohit Sharma. Mumbai Indians is getting back to its form and they are performing well. Hope to win in the next match, and yes, the 20 runs which Dhoni scored in last over made the difference. But yes, haar jeet hote rehta hai, maza aaya bahut. Where do you think Mumbai Indians did wrong, where they could have corrected and done something different? I think bowling options, Hardik should not have bowled because they have better options. Hardik could have avoided bowling, otherwise it was a good contest. CSK is a better team, so it's always a 90-20 game. Did you enjoy Dhoni's batting? Yeah, yeah, sure. We were waiting for Dhoni. Being a Mumbai fan, still we were waiting for Dhoni to come. And he gave us the enjoyment and entertainment. Yeah, we really enjoyed it. And do you think it was worth it, the ticket prices, you know, it was worth the hype? Yeah, the ticket prices are actually really high. But yes, if you at the end of the day, it was really worth it. Should he have bowled the last over or should he have given to someone else? Yes, yes. There was an option for going to Madhwal. So he would have gone for Madhwal instead of him bowling the last over. I guess that would have been a better option. They lost it in the middle overs in the second half, and Dhoni's captaincy, Dhoni's magic. They just, the bowlers are very disciplined. They didn't give anything to Mumbai. With hats off to them. But fun game overall. You got to see Dhoni throw back, hit those sixes. Felt like 2011, and Rohit century, didn't have any support, but we come back stronger. You enjoyed Dhoni's sixes there? Oh, it was crazy. It felt like 2011 all over again, just jumping around the place, going crazy. It was mental. We loved it. But did you enjoy Dhoni bat as an MI fan? We are big fan of Dhoni. Irrespective of any team, we always support Dhoni. Dhoni is thala. Dhoni is India's icon. IPL is known for Dhoni only. Dhoni's last 20 runs were the match turning point. Do you think this was the best CSK versus MI match you ever watched? It was. It was the best. It was the best one. And where do you think Mumbai Indians lost the match? Because Pathiwana bowled amazing and Dhoni's sixes. And do you think Mumbai Indians could have done something different? Maybe bring Surya later. You enjoyed Dhoni batting a lot today? Yes, a lot. Yeah. So where do you think Mumbai Indians lost the match? When the last over took overtaken by the Hardik Pandya, and it was a one something that we felt ki yaar ye gaya. Agar Hardik ki jagah koi aur dalta to aapko lagta kuch aur? Kind of, yes, yes. They have not backed their spinners. You can see only 4 overs bowled by the spinners. That was the turning point, I think. Aapko lagta hai CSK is saal bhi playoffs mein qualify hoke finals mein aame dikhegi? We were discussing the same thing. They were going to take the final. Jeetega. Aap as a MI fan bol rahe hain? Main Dhoni fan ke liye bol raha hu. MI. To aapko aaj maza aaya Dhoni ki batting dekhte hue? Bahut maza aaya. Entertaining tha. 2024 World Cup ke liye wapas lana chahiye Dhoni ko. बुमराह को 18th मिला ना 18th ओवर, उसके बजाय बुमराह का डालता ना लास्ट ओवर तो सिक्स तो कम हो जाए, हो ही जाता. डिड यू एंजॉय वाचिंग धोनी बैट एज ए एमआई फैन? या या एंड ओवरऑल डू यू थिंक दिस एमआई वर्सेस सीएसके मैच वाज द बेस्ट मैच, एल क्लासिको मैच यू वॉच? या दिस इज लाइक प्योर लक टू फाइंड एमआई वर्सेस सीएसके का सीट आल्सो. व्हाट डू यू थिंक दे लॉस्ट द मैच मुंबई? हार्दिक पांड्या The last over. Yes, the last over, and then when he came to bat. Okay. Who did you enjoy the most watching today? Dhoni and Rohit. Tough luck for Mumbai Indians. Yeah. What do you think they could have done better? Not give Hardik bowling. It was all good and all,
but I was really disappointed by the play of Hardik Pandya. Do you think he shouldn't have bowled the last over and something different might have happened if he had given over to someone else? He should get the last over. I'm not talking about the bowling side, I'm talking about the batting side. He did a pretty average job at bowling. At the batting side, he like destroyed an over. Sky lost his wicket. Sky ka wicket gaya, phir Tim David out ho gaya. Uske baad Rohit Sharma ka 17th over mein na, he stopped playing. That's why. And do you think Mumbai Indians lost the match? Mumbai Indians lost the match while bowling. I mean those last four last balls of Dhoni, the 20 runs of Dhoni, that is where we lost the match. So 100% apna hi match. तो आपको लगता है कहाँ पे गलती की मतलब मुंबई इंडियंस ने? मेरे को तो लगता है कि सब बराबर था, लेकिन सूर्य को चलना बहुत जरूरी है. अगर मुंबई को जीतना है तो सूर्य को बहुत चलना बहुत जरूरी है. हार्दिक की वजह से हारा और कुछ नहीं. बॉलिंग में अगर लास्ट ओवर नहीं डालते कुछ अलग होता, बहुत कुछ अलग हो सकता था. 18 से 20 रन बहुत बड़ा रहा था लास्ट ओवर में. मोमेंटम वहीं से सीएसके के पास आ गया था, उसके पहले नहीं तो मुंबई के पास ही था मोमेंटम. हार्दिक कैप्टनसी से हटा के जी टीम में वापस भेज देना चाहिए. एंड डू यू थिंक हार्दिक पांड्या कुड हैव डन समथिंग डिफरेंट in the last two in the captaincy? His bowling is a little questionable, but he bowled well on the 16th. He got that wicket. Yeah. I think he bowled too full to him. Maybe he could have mixed it up. His batting needs to work. He was poor in the batting. Yeah. I think it was worth it, the ticket prices, the amount of hype it was. Yes, definitely, yeah. It was. Always. It was very good, especially Rohit. We are Rohit fan as well as Dhoni. We enjoyed Rohit's century and it was very good experience. Loved it. मैंने बहुत महंगे महंगे टिकट्स लिए थे. क्या लगता है आपको पैसा वसूल हुआ होगा? 100% आई विल से 150% वसूल. धोनी चेन्नई जीत गई, धोनी के सिक्स देख लिए. आई मीन पिछली बार जब आया था धोनी की बैटिंग नहीं हुई थी हमारी, बट इस टाइम धोनी का सिक्स भी देख लिया और चेन्नई जीत गई. आई मीन वी आर सो वेरी हैप्पी, ऑल द सीएसके फैंस आर वेरी हैप्पी. पैसा तो बहुत वसूल हुआ है. इतना जो पब्लिक था 26,000 या 27,000 पब्लिक चला यहाँ पे, सबका पैसा वसूल, फुल वसूल है. पूरा पूरा जाम कर दिया था यहाँ पे. मतलब ग्राउंड आपका और चर्चा हमारी, ऐसा काम यहाँ पे माई भाई ने कर दिया है. और 42 साल की उम्र में अगर एक आदमी ऐसा खेल रहा है तो भारत एक महान देश है कि इनको ऐसा मिला है. भाई एक्सपीरियंस तो बहुत सही था, लेकिन माई भाई के लिए बोलेंगे उतना कम हो गया है. अभी तो चल रहा है, 42 में खेल रहे हैं. अभी भी लग रहा है कि 19 साल की उम्र में आदमी खेल रहा है. सबको नापसंद कर दिया इन्होंने, मतलब शर्मिंदा कर दिया जवानों को. क्योंकि सब जो प्लेयर होता है बाउंड्री अड़ाने के लिए कोई सोचता है कि भाई मैं गिर जाऊँ, मैं इंजर्ड हो जाएगा, हमको खेलने नहीं मिलेगा. लेकिन ये सोचता नहीं, ये तो सीधा चलता ही रहा है. अभी इन्होंने वो 2-1 साल खेलना चाहिए सीएसके के लिए. वैसे ऋतुराज को तो सौंप दिया है. अगर सूर्या खेलता, सूर्या इज वेरी गुड. धोनी 3 sixes वर अमेजिंग. What else can CSK fans expect? Right, a high scoring match, Dhoni sixes. We would expect to see more Dhoni as it is his last year, and I would hope to be at more games, hopefully, and witness his last game as a fan. Do you think Dhoni, if he had come earlier, he would have scored a 50 also? He can. I feel that he should come batting at the top of the order and not 4 or 5 down. Well, I can see a lot of MI fans here. They already know that you're all. Just the king. Okay, you are supporting CSK. Yeah. Oh, great. How was the experience? It was lovely. Yeah. Who did you enjoy the most today? I think Dhoni. The last few sixes were memorable. I think I'll remember them for a lifetime, and I'm super excited to see more of Dhoni this season.